नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फायर इन इंडिया। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं टर्टल ट्रेडिंग के ऊपर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पोस्ट डाल दिया है कम्युनिटी में, कुछ लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन मैंने सोचा एक वीडियो भी बना देता हूँ ताकि अगर आपको वो पोस्ट नहीं दिखा तो आप एटलीस्ट वीडियो तो देख पाएं और ये अपडेट जान पाएं। तो अगर आप मेरी टर्टल ट्रेडिंग की शीट में जाएंगे और टर्टल स्टार्टेड वाली शीट में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स आपको दिखाए हैं। तो ये जो आप रेड में देख रहे हैं, ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो लॉस बुक कर चुके हैं मेरे लिए, और जो ग्रीन में आप देख रहे हैं वो है जो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो ये रेड सारे ऑटो ट्रिगर हुए हैं 20 डे लो के हिसाब से। ये जो ग्रीन है मैंने मैनुअली सेल किए थे। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जहाँ टाटा मोटर्स में मैंने 51% प्रॉफिट बुक किया था, वो शेयर किया था। उस वक्त मुझे लगा शायद ये स्ट्रेटेजी अब काम करेगी, लेकिन ये जो अभी करंट डाउनफॉल आया है पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से, उसमें काफी सारे शेयर्स नीचे लुढ़के हैं और यहाँ पे काफी सारे शेयर्स के 20 डे लो हिट हो चुके हैं। इसलिए ये स्ट्रेटजी अब मुझे उतनी पसंद नहीं आ रही है, पता नहीं, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ इस स्ट्रेटजी के साथ। तो आज मैंने अपना ग्रासिम में भी प्रॉफिट बुक कर दिया जो मुझे 10% प्रॉफिट दे रहा था। साथ में मैंने इस कॉलम में अपने नोट्स डाले हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को मोबाइल पे देख रहे हैं तो शायद आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन आप उस फाइल में जा सकते हैं, गूगल शीट में जा सकते हैं जो मैंने आपसे शेयर करी है, और वहां मेरे कमेंट्स और ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं। उस शीट का लिंक मैं फिर से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। तो अभी भी कुछ शेयर्स हैं जो बिके नहीं है, कुछ प्रॉफिट में चल रहे हैं, कुछ लॉस में चल रहे हैं, लेकिन उनमें मैं अभी करेंटली 20 डे लो रख रहा हूँ, लेकिन नई परचेजेस मैं बंद कर रहा हूँ टर्टल ट्रेडिंग में, क्योंकि एज आई सेड आई एम नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल विद दिस स्ट्रेटजी। बाकी स्ट्रेटजीज में हमारे पास या तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस होता है जहां हम ज्यादा नुकसान नहीं उठाते, या फिर हमारे पास एवरेजिंग की मेथड्स हैं, या फिर हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग है जहां हम एवरेजिंग करते रहते हैं और नए स्टॉक्स खरीदते हैं जब गिर रहा है। लेकिन टर्टल ट्रेडिंग में सिंपली अगर स्टॉक बिक गया तो वो 8-10-12% के लॉस पे बिकता है, उसके बाद हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं है। तो नहीं हूं मैं कंफर्टेबल स्ट्रेटजी के साथ। तो अगर मैं दोबारा कभी इसे स्टार्ट करूंगा जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ नए परचेजेस। लेकिन जो मेरे करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें मैं ट्रैक करूंगा और ये अपडेट्स आप देख सकेंगे इस कमेंट एक्सपेरिमेंट सेक्शन में, जब जब मैं उन्हें बेचूंगा और या फिर जब जब उनका 20 डे लो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ और जानकारी मिली होगी और आप टर्टल ट्रेडिंग के बारे में सोचेंगे कि क्या आप भी कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अभी मुझे इजाजत दीजिए, मुझे काम करना है बाय लो सेल हाई स्ट्रेटजी पे, ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, तो उसका वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलता हूँ।